गांव से मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले बस्तर पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम क्या होता है, नीचे बिछाई जाने वाली चद्दर बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धाबा होता है। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। मोहसिन बिश्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। शब्द पिटारा, सामग्री, सामान, ईदगाह, ईद मनाने का स्थान, मस्जिद, जाजिम, फर्श पर बिछाई जाने वाली चद्दर। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी ने मज़े से खाए। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे कैसे लोगे? 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह क्या होता है, प्यार में बदल गया। यह मूक स्नेह था,
खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। विवेक का मीनिंग होता है समझ। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद मतलब होता है खुश हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। इस सुंदर सी स्टोरी के राइटर हैं बेटा मुंशी प्रेमचंद जी। इसको आपने खुद भी रीड करके देखना है। ओके, थैंक यू।